देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश गौरी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माताजी श्रीमती बिंदेश्वरी बघेल को कल देर रात दिल्ली से आई तीन डॉक्टरों की टीम ने रामकृष्ण अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई में उनका मेडिकल चेकअप किया है। डायलिसिस प्रक्रिया के अधीन चल रही है श्रीमती बिंदेश्वरी बघेल के इलाज में कुछ आवश्यक परिवर्तन के सुझाव दिए गए हैं। उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है। दिल्ली से आए तीन डॉक्टरों की टीम ने उनका चेकअप किया है। डायलिसिस प्रक्रिया में चेंजेस को लेकर कुछ सुझाव दिए गए हैं। 36 घंटों से उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बता रहे हैं। तो डायलिसिस प्रक्रिया में कुछ चेंजेस किए गए हैं। 36 घंटे बाद भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। स्थिति में किसी तरह का कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो तीन डॉक्टरों की टीम दिल्ली से आई है, जिन्होंने जिस तरह से, क्योंकि किडनी की बीमारी बताई जाती है जिसके चलते डायलिसिस उनका होता है और उसी डायलिसिस के प्रोसीजर में चेंजेस बताए हैं दिल्ली से आई डॉक्टरों की टीम ने। पिछले 36 घंटों से आपको बता दें सीएम की माताजी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, स्थिर बनी हुई है, कुछ सुधार होता नहीं दिख रहा है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। रूपेश गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रूपेश जी, क्या मेडिकल बुलेटिन जारी हो गया, क्या कुछ स्थिति? देखिए, बुलेटिन जारी हो गया है और बुलेटिन में ये कहा गया है कि उनकी जो हालत है वो लगातार नाजुक बनी हुई है, लेकिन ये है कि स्टेबल है। उसमें ज्यादा अब जो स्थिति पहले थी वही स्थिति बरकरार है। डायलिसिस की प्रक्रिया चूंकि पहले हो चुकी है, लिहाजा अभी वही ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर ऑब्जर्वेशन पे रखे हुए हैं और अब 72 घंटे, जैसा कि कल सुबह बाहर से टीम आई थी, बाहर से टीम ने आकर के इंस्पेक्शन किया और फिर अपने हिसाब से उन्होंने ट्रीटमेंट किया है और कहा है कि अब जो 72 घंटे के बाद वो फिर से आएंगे और एक बार फिर से देखेंगे कि आखिर में क्या इंप्रूवमेंट है, किस तरह की स्थिति है। तो लगातार स्थिति नाजुक बनी हुई है जी। और साथ ही जो रामकृष्ण हॉस्पिटल के जितने भी तमाम स्टाफ है उनमें से किस तरह का उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और क्या ये कंडीशन बन सकती है कि उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली लेके जाया जा सके? देखिए, रामकृष्ण वो हॉस्पिटल बन चुका है जिसमें तमाम वो सुविधाएं, तमाम वो इक्विपमेंट और तमाम डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा जहाँ डॉक्टर्स की जरूरत पड़ रही है बाहर से डॉक्टर्स बुला लिए जा रहे हैं, तो इसकी संभावना कम है। चूंकि उम्र ज्यादा है लिहाजा सबसे बड़ी समस्या वही है कि बहुत ज्यादा कुछ उम्र के लिहाज से नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो डायलिसिस उनका हुआ है उसको खासतौर से नजर रखी जा रही है। और चूंकि ब्रेन में बहुत देर तक ऑक्सीजन नहीं गया था तो उस पर भी नजर रखने की खबर है। और इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हॉस्पिटल पहुंचे हैं और अपनी माँ को देखने के लिए आज वो पहुंचे हुए हैं, तो अभी नजर है उनके भी, लगातार डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।